हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे कल्पनास वंडरलैंड चैनल पर। तो आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। तो अभी आने वाले हैं त्यौहार, तो त्योहारों में जो लेडीज़ को टाइम नहीं मिलता है, तो मेहंदी लगाना पॉसिबल नहीं होता, तो वही मैं यूज़फुल वीडियो लेकर आपके लिए आई हूँ जो आपके यूज़ में आए। तो मैं आज मेहंदी का, जो मेहंदी 5 मिनट में रच जाएंगी, और मेहंदी कौन, तो 10 रुपये का ये कौन है, देखिए आप देख सकते हो। अगर इसका रिव्यू दूंगी मैं आपको कि देखिए मैंने सुबह में लगाई थी ये, एक फिंगर को मैंने लगा के रखी थी, तो लगा कर मैंने रखी और सब काम किए मैंने। अभी टाइम क्या हो रहा है बेटा, अभी 1 से 1.5 बज रही होंगी 2 बज रही होंगी अभी। तो मैंने सुबह में ही लगा के देखा था ये। तो अभी देखिए आपका इसका कलर देख सकते हो, ये मेहंदी कैसी रचती है। और ये लगाने के बाद में आप ज्वेलरी पहने तक ही ये सूख जाएंगी और बहुत ज़्यादा आपको इजी रहेगा ये, कि इसलिए मैं ये लेकर आई वीडियो आपके लिए। तो चलिए लगा के देखते हैं। ये पहले मैंने लगाया था और अभी आपके सामने लगाऊंगी। और कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैं बिल्कुल मेहंदी नहीं, एक इसको लगा के मैं चली जाती हूँ। तो ये मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली मेहंदी है ये। इसको 10 मिनट बहुत हो गए आपके लिए, 10 मिनट इसको, 10 मिनट आपने अगर इसको रख लिया तो इसको पूरा सूखने देना है अच्छे से। लग मेहंदी तो तैयारी के साथ ही अच्छी लगेगी, आपको अच्छा लगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए मेरी लगाना हो गई है, बस थोड़ा कम हो रहा है, इसको लगा लूँ। तो ये लगा लिया है मैंने, देखिए लगा। और अभी देखिए मैंने एक ही हाथ को लगाया है, दूसरे हाथ को मैं नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि मुझे अभी चूड़ियाँ और तैयार होके भी बताना है आपको कि करते करते ही ये सूख जाएंगी। कि आप मेकअप हो गया आपका और आपने लगा लिया और उसके बाद में आप तैयार हो सकती हो। तो देखिए सूख गई है मेहंदी, सूखने में आ गई है। देखिए सूखते आ रही है, आगे से ज़्यादा तो सूखी रही है। पहनी मैंने चूड़ी, अब देख सकते हो आप कैसे दिख रही मेरी मेहंदी, वो सूखी रही है। तो आज मैं पहनूंगी इयर रिंग्स, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इयर रिंग्स। तो मैं देखिए सूख रही है, तो ये मैं तैयार हो ही गई हूँ, मैंने पहनूंगी है एक ही हाथ को पॉसिबल होती है, पर ये मेहंदी दोनों हाथ को लगा सकते हैं। तो मेरे पास समय थोड़ा सा टाइम, बस त्यौहार स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने इसके लिए मेहंदी का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं ये अभी धोकर भी आपको बताऊंगी। तो ये तो मेरी सूख गई है पूरे तरीके से, देख सकते हो आप नज़दीक से, पूरा कम्प्लीटली सूख गई है ये। और ये अभी मैंने अभी जस्ट लगाई है आपके सामने ही, तो बस अभी थोड़ी देर में ये सूखी जाएंगी। तो गाइस देखिए सूख गई है, दोनों भी हाथों की सूख गई है। तो अभी इसके छिलके निकलेंगे, ऐसे छिलके निकलेंगे, इसलिए देखिए ऐसे छिलके निकल जाएंगे, ज़्यादा डार्क लगाया तो छिलके निकल जाएंगे, इसको सूखने देना अच्छे से। ये देखिए इसके छिलके निकल जाएंगे, तो हमको इसके छिलके निकालना है ऐसा ऐसे करके।
इजी निकल जाएंगी और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, एकदम लाल लाल हो जाएंगी तो बहुत जल्दी रच जाती है ये मेहंदी। अभी 5 या 10 मिनट बहुत हो गए इसको धोने हैं, आप 5 मिनट इसके भी पहले धो सकते हो, मुझे थोड़ा डार्क करने की थी इसलिए मैं। तो देखिए छिलके निकल रहे हैं, ज़्यादा देर तक रखो तो ऐसी हो जाती है ऐसी, तो मैं अभी इसको धो लूँगी। देखिए लगा है पानी, धो रही हूँ इसको, देख सकते हो आप। पानी लगा कर पोंछ लेना है, मेहंदी ये मैंने ज़्यादा देर तक रखी थी और ये कम टाइम के लिए थी, ये ज़्यादा टाइम के लिए थी, इसके लिए ये ज़्यादा रची है और ये थोड़ी कम है, तो ऐसे रचती है ये मेहंदी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये मेहंदी। दिख रही है ये सूखने के बाद में और कुछ भी इधर उधर नहीं लग रही है, आप देख सकते हो, मैं गालों को भी हाथ लगा के बता रही हूँ, देखिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने जो ये उंगली को लगाई थी सब में पहले डेमो लिया था मैंने इसका, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मैंने इसको लगाया है, तो वो अंकल ने मुझे बताया कि बिल्कुल भी निकली नहीं बेटा, बिना टेंशन के आप लेकर जाओ और आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको ये मेहंदी का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।